हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की खिचड़ी। इधर एक कटोरी साबूदाना लिया है, इधर आलू को अच्छे से कट करके धुल लिए हैं थोड़ा छोटी छोटी, इधर मूंगफली रखे हैं, धनिया पत्ती, लहसुन, हरी मिर्ची, कढ़ी पत्ता, हमने सब अच्छे साफ करके रख लिए हैं। अब चल के बनाएंगे। अभी हमने थोड़ा सा तेल डाला है, गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये मूंगफली को भूनेंगे, एकदम स्लो आंच पे भूनना है। अभी हमने दोबारा से तेल डाल दिया, गरम हो गया। अब जीरा डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल, लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, ये कच्ची आलू है, अभी इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके अभी इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने से आलू जल्दी पक जाती है अच्छे से। इसको मिक्स कर, अभी देखो आलू अच्छे से फ्राई हो गई है। और इसमें हम साबूदाना डाल देंगे, मूंगफली डालेंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे। इसमें हम मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे, और बस धनिया पाउडर ही डालेंगे। नमक तो हमने पहले डाल दिया था। इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे, इसको अच्छे से थोड़ा एक मिनट तक भूनेंगे। अभी देखो साबूदाना की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।